रखी है गूगल क्लासरूम पे। ठीक ओके, हम ऐड कर देंगे, आप सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, उस दिन मैंने सेंड किए थे मैम, अभी मैं आज दोबारा कर दूंगा। चलो आज हम देख लेंगे उसको। ठीक है, और वैसे भी मैं लिंक व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देती हूँ। तो नहीं, क्लासरूम वाले मटेरियल ओके, वगैरह ठीक जो। ठीक ठीक है बेटा, फिर हम सेंड कर देंगे उसको, ऐड कर देंगे आपको। ठीक है, देखिए आपका जो नया टॉपिक था वो ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन, कोई आइडिया है ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है? ओके, देखिए किसी भी सिग्नल को आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करने के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक वीडियो है, फिर कर मैं देखना। ठीक, तो जब हम, जैसे कि हम जब दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे जो मीडियम होता है वो एयर होता है, इसी तरह अगर हमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या कोई सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि हमें ट्रांसमिशन लाइन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर टू रिसीवर सेंड हो सके। जैसे कि आपका टेलीफोन लाइंस जो होती है, ठीक है, वो भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। कोएक्सियल लाइन होती है जो कि आपका उसमें कंप्यूटर वगैरह नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। ठीक है, माइक्रो स्ट्रिप लाइन होती है, वेव गाइड होती है। ठीक है, तो हर एक का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। मेनली आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है सिग्नल को सेंड करना फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसमिशन लाइन होती हैं जिसको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आपका पैरेलल वायर लाइंस होता है, कोएक्सियल लाइन होती है, ठीक है, इसके अलावा आपका माइक्रो स्ट्रिप लाइन होती है और वेव गाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरली, हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया हुआ था वो आपका क्या था कि ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशन क्या आती है, व्हाट इज द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, या ट्रांसमिशन लाइन का आपका इक्वेशन क्या आएगा, और उस इक्वेशन से हम ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे कि पर्टिकुलर वहाँ पे वेव की वेलोसिटी क्या होगी, उस ट्रांसमिशन लाइन के आपका इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होगा, ठीक है, एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसी को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था। तो जिसमें से हमने बताया था कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो कई टी सेक्शन आपस में एक दूसरे के साथ जब हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो इनफाइनाइट लेंथ की आपकी ट्रांसमिशन लाइन बनती है। तो ये आपका एक तरह से इनफाइनाइट लेंथ की, अगर इतने पार्ट को आप देखिए तो ये एक टी सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज अनदर टी सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस वन इज थर्ड। इसी तरह हम कई टी सेक्शन को आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे, दैट मीन्स उसकी क्या कर देंगे, कैस्केडिंग कर देंगे। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, आपका, आपने कोई सर्किट लिया, उसका इनपुट होगा कुछ आउटपुट होगा, तो अगर आप सेम सर्किट को लेके जो फर्स्ट सर्किट है उसके आउटपुट को सेकंड सर्किट के इनपुट से कनेक्ट कर दें, ठीक, इसी तरह सेकंड सर्किट का जो आउटपुट होगा उसको, आउटपुट को हम थर्ड सर्किट के इनपुट से कनेक्ट कर दें, यही तो होता है कैस्केडिंग। ठीक, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स आपका की ट्रांसमिशन लाइन, अगर आपका इनफाइनाइट लेंथ की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके पर्टिकुलर, उसके बारे में हम स्टडी कर चुके थे। ठीक है, जहाँ पे आप, अब आपका मेन जो आपका आज का जो टॉपिक मुझे डिस्कस कराना है कि आपका अगर हम केवल एक टी सेक्शन को ले, ठीक है, अगर हम किसी वन सेक्शन की स्टडी कर लें तो उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ की जो ट्रांसमिशन लाइन होगी उसकी भी आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन, इसमें हमने इसका एक टी सेक्शन लिया हुआ है, दिस वन। ऊपर अगर देखिए तो यहाँ पे दिस वन इज वन टी सेक्शन, दिस वन इज अनदर टी सेक्शन, एंड दिस वन इज थर्ड टी सेक्शन। ठीक है, तो हम किसी एक टी सेक्शन की स्टडी करेंगे, उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे और वही हम अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ आपका जो ट्रांसमिशन लाइन, जो भी जिस लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन दी हुई है उसके लिए हम उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हमने एक ट्रांसमिशन लाइन का टी सेक्शन लिया हुआ है,
ठीक है, यूनिफॉर्म एक हमारी ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें हमने एक टी सेक्शन दिया हुआ है. दिस इज रिटन हियर, अ यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन कैन बी कंसीडर टू बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टी सेक्शन ईच ऑफ इनफाइनाइट टेस्टिमल साइज डीएक्स. यहाँ पे हमने उसमें से एक इनफाइनाइट जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका एक टी सेक्शन लिया हुआ है और उसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ पे अगर आप सर्किट में देखें तो इसके इनपुट सेक्शन पे जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है डेट इज वी प्लस डी वी अप्लाई किया हुआ है. जब आप सप्लाई इनपुट सेक्शन पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ से कुछ करंट फ्लो होगी, तो उसको हमने कंसिडर किया हुआ है आई प्लस डी एल. सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है डेट मीन लोड के क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसे मैंने कंसीडर किया हुआ है वी, और आउटपुट सेक्शन में व्हाटएवर जो भी करंट आ रही है उसको यहाँ पे मैंने कंसीडर किया हुआ है आई. अगर यहाँ पे आप देखिए तो जो ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे हमने आर एल जी और सी यूज किया हुआ है. ट्रांसमिशन लाइन के कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं, प्राइमरी पैरामीटर्स या आप कॉन्स्टेंट कह सकते हो और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है एंड कैपेसिटेंस है, ये जो होते हैं कॉन्स्टेंट वो ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी कॉन्स्टेंट कहलाते हैं. ठीक है, अब आप जनरली अगर हम इंडक्टर की यूनिट पूछें तो इंडक्टर की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हेनरी होती है. बट यहाँ पे जो एल लगा हुआ है डैट मीन्स इंडक्टर लगा हुआ है उसकी यूनिट हेनरी नहीं होगी, हेनरी पर मीटर होगी. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा. ठीक, तो ये आपके आर एल जी सी जो हैं वो कॉन्स्टेंट आपके ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी कॉन्स्टेंट कहलाते हैं. और जो हम सेकेंडरी कांस्टेंट जो हम फाइंड आउट करेंगे डैट मीन्स आपका आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है, दीज आर नोन एज अ सेकेंडरी कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. ठीक, तो हमें यहाँ पे सेकेंडरी कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, व्हाट इज आपका आपका आउटपुट इम्पीडेंस इस ट्रांसमिशन लाइन का क्या होगा और इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, ये सब हमें यहाँ पे ये पैरामीटर्स स्टडी करनी है. ठीक, इसमें कहे कभी कभी आपका क्या कहते हैं, जैसे हमने इसको प्राइमरी कांस्टेंट किया कहा हुआ है, इसी को आप डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे अगर हम इसका सीरीज इम्पीडेंस फाइंड आउट करें तो डैट मीन्स यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है. इंडक्टर के प्लेस पे आप अगर आपने साइनोसोइडल नेटवर्क में साइनोसोइडल सर्किट की एनालिसिस की होगी तो जहाँ पे भी इंडक्टर लगा होता है उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एल एस लिख सकते हैं. एस क्या होता है, जे ओमेगा के इक्वल होता है. ठीक है, ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रिक्वेंसी को. तो अगर हम इतने पार्ट का इम्पीडेंस फाइंड आउट करें तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा. इतना क्लियर है? हेलो हेलो हेलो. तो यहाँ पे हम ये पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ पे हमने इंडक्टर यूज किया हुआ है तो उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एलएस लिख सकते हैं. ठीक है, आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ा होगा. ठीक है, और एस के प्लेस पे आपका क्या होता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, जे ओमेगा होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इम्पीडेंस फाइंड आउट करें तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल. ठीक, इसी तरह हम शंट एडमिटेंस फाइंड आउट करें, दिस वन इज आपका शंट डैट मीन्स आपका यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, तो हम एडमिटेंस फाइंड आउट करें तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी प्लस जे ओमेगा सी. ठीक, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई. अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर हमें इस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप डैट मीन्स अगर हम पूछें कि इस इतने पार्ट के क्रॉस आपका कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है. ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे, जो आपका इनपुट साइड का वोल्टेज है उसमें आउटपुट साइड के वोल्टेज को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी यहाँ पे इम्पीडेंस है उसके क्रॉस आपका पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा होगा वो आपको पता चल जाएगा. तो
यहाँ पे देखिए कि मैंने द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज इम्पीडेंस टी सेक्शन, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इन ऑफ टी सेक्शन. हम किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, हमें इस ये जो हमने इम्पीडेंस कंसीडर किया हुआ है इसके अक्रॉस जनरेट आपका हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ का वोल्टेज आपको पता है इनपुट सेक्शन का, आउटपुट सेक्शन के वोल्टेज को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका जो यहाँ पे इम्पीडेंस है उसके अक्रॉस हमारा क्या होगा पोटेंशियल, वॉट एवर जो जनरेट हो रहा होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, वो वी प्लस डी वी, दैट इज पोटेंशियल जो हमने इनपुट सेक्शन में अप्लाई किया हुआ है माइनस जो आउटपुट सेक्शन पे आपका पोटेंशियल आपको मिल रहा है, ठीक है, उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, आई इज द करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है दिस वन, ठीक है, जे ओमेगा आई विद इन ब्रैकेट आर प्लस जे ओमेगा एल डी एक्स. अब यहाँ पे डी एक्स क्या है, डी एक्स क्या है, हमने जो ट्रांसमिशन लाइन ली हुई है उसकी एक पार्टिकुलर लेंथ होगी, तो उस एक जो हमने टी सेक्शन लिया हुआ है उसकी लेंथ हमने क्या कंसीडर की उस ट्रांसमिशन लाइन की, डी एक्स. तो यहाँ पे डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन के बाद ये क्या हो जाएगा आई जेड, क्योंकि आर प्लस जे ओमेगा एल किसके इक्वल था दिस वन जेड के, ठीक. तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन गई. सिमिलरली हमें जो शंट है आपका ये पार्ट दिस वन पैरलर में जो जी पैरलर सी जो लगा हुआ है उसके अक्रॉस हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करनी है, ठीक. तो जब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपका क्या है एक नोड है, इस नोड पे जो इनकमिंग करंट है वो क्या है आई प्लस डी आई, आउटगोइंग करंट आपकी क्या आ रही है आई आ रही है, तो इसके अक्रॉस कितनी करंट फ्लो होगी, इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट निकाल दे तो इस ओवरऑल इस पार्ट के अक्रॉस कितनी करंट हमारी फ्लो होगी, केवल डी आई, ठीक. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो I प्लस डी आई माइनस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V विद इन ब्रैकेट G प्लस J ओमेगा C dx. यहां से हम कैलकुलेट करेंगे D ओवर dx I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VY. तो यहां पे हमारी दो इक्वेशन बन गई. हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशन. पहले हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे उसी से हम पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन. तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई हैं ट्रांसमिशन लाइन की. अब हमने क्या किया, इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी दिस वन इसको हम क्या कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स टू वी इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल, ये क्या है आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स आई आ जाएगा, ठीक. अब डी ओवर डी एक्स आई की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आई लिखी हुई है आपने इक्वेशन 1.2 को अगर आप देखिए तो उसकी वैल्यू क्या है वी विद इन ब्रैकेट जी प्लस जे ओमेगा सी, तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी है. तो हमारी जो इक्वेशन आई है वोल्टेज के फॉर्म में डी टू ओवर डी एक्स टू वी इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाई विद इन ब्रैकेट जी प्लस जे ओमेगा सी वी. तो ये हमने इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर ली है. इसी तरह इक्वेशन जो हमारी सेकंड थी उसको हम अगेन एक हम इसको क्या करेंगे वन टाइम्स फिर आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें. तो देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1.2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब आप 1.2 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा डी टू ओवर डी एक्स टू वाई इज इक्वल टू दिस वन इज वी. वी की प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे डी ओवर डी एक्स वी आएगा विद इन ब्रैकेट जी प्लस जे ओमेगा सी. डी ओवर डी एक्स वी के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे, देखिए डी ओवर डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1.1 में क्या दी हुई है आई विद इन ब्रैकेट आर प्लस जे ओमेगा एल, इसको हम पुट कर देंगे तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी डी टू ओवर डी एक्स टू आई इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाय विद इन ब्रैकेट जी प्लस जे ओमेगा सी आई. तो ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई, ठीक है. अब देखिए हमने आपका ट्रांसमिशन लाइन जो हमने इनफाइनाइट लेंथ की जो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ कंसीडर की थी जिसका हमने केवल एक टी सेक्शन इतना पार्ट उठाया हुआ है, ठीक है, इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. तो उसका जो आपका प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है गामा इज इक्वल टू अंडर रूट जेड वाई आया था, ठीक है,
है, आप लोग अब्सेंट है तो आपको क्लियर नहीं होगा, मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, उससे देख लीजिएगा, कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका यहाँ से उठाया गया हुआ है, हमने यहाँ पे हम एक सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट होता है गामा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट जेड वाई, जेड की वैल्यू क्या आई है आर प्लस जे ओमेगा एल, और वाई की वैल्यू क्या है जी प्लस जे ओमेगा सी, और गामा क्या है आपका, हमने अभी बताया कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आर एल जी सी जो होते हैं वो प्राइमरी कॉन्स्टेंट होते हैं, और एटेन्युएशन कांस्टेंट आपका इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ये आपके क्या होते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक। तो अगर हम जो हमारी इक्वेशन आई है ट्रांसमिशन लाइन की उसे अगर हम गामा के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए इक्वेशन 1.3 हमारी दिस वन डी टू हमने सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन 1.3 एंड 1.4, तो यहाँ पे देखिए 1.3 में डी टू ओवर डी एक्स टू वी इसके प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हैं गामा स्क्वायर, ठीक, क्योंकि गामा इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाय जी प्लस जे ओमेगा सी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डी टू ओवर डी एक्स टू वी इज इक्वल टू गामा स्क्वायर वी, सिमिलरली डी टू ओवर डी एक्स टू आई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर आई। तो ये दो इक्वेशन है आपकी ट्रांसमिशन लाइन की, इसकी मेन स्टडी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, हालांकि ये डेरिवेशन आता नहीं है बट इसी से आपके अदर पैरामीटर्स आएंगे, अगर हम डायरेक्ट पैरामीटर बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपकी जो दो इक्वेशन है ट्रांसमिशन लाइन की, ये क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हमें क्या करना है सॉल्व करना है, जैसे आप मैथमेटिक्स में अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह पढ़ सूझ चुके होंगे, ठीक है। तो हम ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की उसको हम इसका सॉल्यूशन कंसीडर करके चल रहे हैं कि v इज इक्वल टू ए ई की पावर गामा एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस गामा एक्स, ये एक नई इक्वेशन बन गई। सिमिलरली आई के लिए इस इक्वेशन को देखें तो आई इज इक्वल टू सी ई की पावर वाई एक्स गामा एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस गामा एक्स, दिस इज आपके यहाँ पे वी और आई के फॉर्म में दो इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हमारा मेन जब भी आपका जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जो कांस्टेंट होता है जब आप कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन तो उन कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, तो यहाँ पे ए बी सी और डी जो है वो क्या है आपके कांस्टेंट है। अब जब तक आपका ए बी सी और डी ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं फाइंड कर लेंगे तब तक आप बी और आई की वैल्यू नहीं बता सकते, क्यों, आपने इनपुट पे अप्लाई किया ये वोल्टेज वी प्लस डी वी, करंट जनरेट हुई आई प्लस डी आई, आउटपुट सेक्शन में जो वोल्टेज आपको मिल रहा है दैट मीन्स लोड के अक्रॉस एक तरह से हम कह सकते हैं वो क्या है बी हमें मिला है, और उसके अक्रॉस करंट फ्लो होने वाली करंट क्या हमें मिल रही आई, तो हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ये वैल्यू हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि हम यहाँ पे ए बी और सी डी ये जो कॉन्स्टेंट है उनकी वैल्यू ना फाइंड आउट कर लें, ठीक। तो अब हमें सारा प्रोसेस इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन 1.5 है उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो फाइनल हमारी वैल्यू डी ओवर डी एक्स बी इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और हम वी नो डैट डी ओवर डी एक्स बी इज इक्वल टू क्या था आई जेड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1.1 को अगर देखिए उसके नीचे वाली इक्वेशन डी ओवर डी एक्स बी इज इक्वल टू क्या है आई जेड। तो यहाँ पे हम जहाँ पे d ओवर डी एक्स वी है उसके प्लेस पे आई जेड लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है आई जेड इज इक्वल टू यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट कर दिए, गामा इज इक्वल टू क्या था अंडर रूट जेड वाई, ठीक। तो यहाँ पे हमने गामा की वैल्यू पुट कर दी है अंडर रूट जेड वाई ई अंडर रूट जेड वाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है, आफ्टर डेट यहाँ पे हमारे साथ क्या था जेड इम्पीडेंस मल्टीप्लिकेशन में था, हमने जेड इस इक्वेशन में डिवाइड कर दिया है तो फाइनल इक्वेशन जो हमारी आ जाएगी आई इज इक्वल टू ए अंडर रूट वाई बाय जेड ई की पावर अंडर रूट जेड वाई एक्स माइनस बी अंडर रूट वाई बाय जेड ई की पावर माइनस जेड वाई एक्स। तो ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने इक्वेशन 1.5 को डिफ्रेंशिएट किया था एक्स के रिस्पेक्ट में
उसी तरह हम 1.6 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट फिर से करेंगे, यहाँ पे 1.6 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी d ओवर dx i इज इक्वल टू c गामा e की पावर गामा x माइनस d y गामा e की पावर माइनस गामा x। अब ये d ओवर dx i इज इक्वल टू क्या था, vy था, 1.2 इक्वेशन को देखिए तो d ओवर dx i इज इक्वल टू क्या था, vy। तो हम यहाँ पे d ओवर dx i के प्लेस पे vy पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे vy पुट कर दिया। सेम हियर हमने गामा की वैल्यू पुट कर दी है तो हमारी न्यू इक्वेशन ये बन गई। फिर हमने यहाँ पे y से डिवाइड कर दिया तो हमें वोल्टेज मिल गया v इज इक्वल टू c अंडर रूट z बाय y e के पावर अंडर रूट z बाय x माइनस d अंडर रूट z बाय e की पावर माइनस अंडर रूट z बाय x। तो ये हमारी 1.7 और 1.8 ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। ठीक, अब हम यहाँ पे ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि सिंस द डिस्टेंस x इज मेजर फ्रॉम द रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि हम यहाँ पे ये हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन थी उसकी लेंथ हमने यहाँ पे क्या कंसीडर की थी, dx कंसीडर की थी। ठीक, जब हम सिग्नल इनपुट सेक्शन पे कुछ सिग्नल दे भेजेंगे तो आफ्टर सम टाइम कुछ डिस्टेंस पे ही तो आपका आउटपुट होगा, तो अगर हम उस डिस्टेंस को जीरो कंसीडर कर ले, ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, डिस्टेंस जो है आपका दिस वन जो एक्स है उसको हमने जीरो कंसीडर कर लिया है। तो जब हम डिस्टेंस एक्स को जीरो कंसीडर कर लेंगे तो आई इज इक्वल टू देखिए आपका क्या आ जाएगा, आई आर। इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आई की वैल्यू आपके क्या हो जाएगा, आई आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक, और आपका v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर के जस्ट इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये पैरामीटर्स यूज करने, ठीक, तो हम i इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू वी आर, ठीक है। और वोल्टेज आपका कैसे निकालते हैं, किसी भी रजिस्टर इंपीडेंस के अक्रॉस या रजिस्टर के अक्रॉस डेवलप वोल्टेज क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हमने v के प्लेस पे हमें क्या यूज करना है, वी आर, और i के प्लेस पे हमें क्या यूज करना है, आई आर। ठीक है, सिमिलरली जो इम्पीडेंस जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसे मैंने जेड आर कंसीडर किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आई आर क्या है, आई आर इज द करेंट इन द रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन और वी आर इज द वोल्टेज अक्रॉस रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन। यहाँ पे जो हमने वोल्टेज भी कंसीडर किया हुआ था वो एक्स इज इक्वल टू जीरो डिस्टेंस पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वी की जगह क्या हो जाएगा, वी आर, और आई की जगह आई आर। ठीक, तो ये पैरामीटर्स हमें यूज करने हैं यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस कंडीशन दैट मींस आई इज इक्वल टू आई आर और जहां पे एक्स है वहां पे आपको जीरो पुट करना है और आई के प्लेस पे आई आर यूज करना है, वी के प्लेस पे वी आर यूज करना है। ठीक है, तो वन हम ये वैल्यू जो है कहाँ पे यूज कर रहे हैं, 1.5, 1.6, 1.7 एंड 1.8। ठीक है, तो हालांकि 1. यहाँ पे देखिए तो अगर 1.5 में हम x इज इक्वल टू जीरो पुट करें, दिस वन, जब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपकी नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, v के प्लेस पे आपको क्या यूज करना है, vr, vr इज इक्वल टू a, e की पावर जीरो डेट मीन्स वन प्लस d e की पावर माइनस जीरो डेट इज वन, डेट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, vr इज इक्वल टू a प्लस b। सिमिलरली 1.6 में यूज करेंगे तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा वी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, आई आर इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब हमें क्या करना है, किसमें इक्वेशन 1.7 और 1.8 में यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए 1.7 में एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे और आई के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसमें पुट करेंगे तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट वाई बाई जेड, ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी डेट मीन्स वन हो जाएगी, माइनस बी अंडर रूट वाई बाई जेड ई की पावर जीरो डेट मीन्स वन आ जाएगा। तो न्यू इक्वेशन हमारी आई की क्या आ जाएगी, आई आर इज इक्वल टू ए अंडर रूट वाई बाई जेड माइनस बी अंडर रूट वाई बाई जेड। सिमिलरली जब आप इसमें 1.8 में पुट करेंगे तो वी आर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, सी अंडर रूट जेड बाई वाई माइनस डी अंडर रूट जेड बाई वाई। तो यहाँ पे हमारी ये चार इक्वेशन बन गई है, इन चारों इक्वेशन को यूज करके हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और वो जो ए बी सी डी की जो वैल्यू आएगी वही हमें क्या कर देना है,
इस 1.5 और 1.6 में पुट कर देना है। ठीक, तो ये सारा रहता उसी के लिए फैलाया गया है कि आपका एबीसीडी कांस्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो हमें इन चार इक्वेशन को यूज करना है। तो टू सॉल्व दिस इक्वेशन हमने क्या किया हुआ है, जो कि हम बार बार अगर इतना बड़ी वैल्यू लेंगे तो उसके प्लेस पे हमने एक अनदर कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, इसको मैंने कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट जेड बाई वाई, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे वैसे प्रोकल कर दीजिए, अंडर रूट वाई बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन आपका इसमें 1.11 में पुट करेंगे, तो हमारा आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई बाई जेड की प्लेस पे आपको क्या यूज करना है, 1/x, तो आपका क्या हो जाएगा ए बाई एक्स माइनस यहाँ पे वाई बाई जेड, अंडर रूट वाई बाई जेड के प्लेस पे आप क्या पुट करें, 1/x, तो माइनस बी बाई एक्स। कॉमन ले लीजिए इक्वेशन, आई आर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 1/x ए माइनस बी। अब देखिए हमारी आई आर की वैल्यू ये है, न्यू जो आई आर की वैल्यू आई है वो क्या है, 1/x विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी, और इक्वेशन 1.10 को देखिए तो वहां पे आई आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी प्लस डी, बट आई आर इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो हम आई आर जहाँ पे यूज है वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, सी प्लस डी, ये भी क्या है, आई आर इज इक्वल टू 1/x विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी, और इक्वेशन 1.10 को अगर देखें तो वहां पे आई आर की वैल्यू सी प्लस डी है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सी प्लस डी, तो हमारा नया जो आ जाएगा इक्वेशन सी प्लस डी इज इक्वल टू 1/x विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारी बन के आ गई, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एक्स। अभी तक इतने पार्ट में कुछ प्रॉब्लम, एनीवन? ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई है वैसे ही हम 1.12 को यूज करके सी और डी के फॉर्म में इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो वहां पे वी आर इज इक्वल टू सी एक्स माइनस डी एक्स आ जाएगा, और वी आर की वैल्यू क्या है, देखिए 1.9 में वी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो जहाँ पे वी आर लिखा हुआ है वहां पे ए प्लस बी आप पुट कर दीजिए, फिर रीअरेंज कर दीजिए, तो यहाँ से हमारी एक नई इक्वेशन बन गई आपका ए माइनस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एक्स। यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन को रिपीट कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1.15 होगी इक्वेशन। ठीक है, आप देखिए इक्वेशन 1.12 को देखिए और 1.1 इसको देखिए, तो ये दोनों इक्वेशन को यूज करके एडिंग द इक्वेशन 1.13 एंड 1.1, अच्छा ये सॉरी उसी को इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, उसी को लिख दिया है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कांस्टेंट है ए इज इक्वल टू सी एक्स मिल गया। अब हम सिमिलरली इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से बी की वैल्यू हमें डी एक्स मिल जाएगी। बस आपको टू वेरिएबल की यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी है और ए बी सी डी निकालनी है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट मीन्स हमारा वी आर इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी, उसके प्लेस पे हमने ए की वैल्यू हमारी क्या आई है, सी एक्स पुट कर दिया, और बी की वैल्यू क्या आई है, डी एक्स माइनस डी एक्स आई है, वो पुट कर दिया है। ठीक है, बट आई आर इज इक्वल टू क्या है, सी प्लस डी, यहाँ पे देखिए दिस वन ये, बट आई आर इज इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई आर इज इक्वल टू सी प्लस डी है, हमने क्या किया हुआ इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, कर सकते हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आई आर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, तो आई आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एक्स, ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई 1.15। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, डैट मीन्स ये जो आई आर एक्स है और 1.vr, vr की वैल्यू हमारी क्या हमने कंसीडर की हुई थी, हमारी vr की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि आई आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई है 1.15, और वी आर इज इक्वल टू किया था सी एक्स माइनस डी एक्स 1.16 से कंसीडर किया है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1.15 और 1.6 इन दोनों को देखिए ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, वी आर एक्स प्लस वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2cx, x इज इक्वल टू क्या, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर बाई टू प्लस वी आर बाई टू एक्स। अब देखिए हमें क्या, हमें यही तो फाइंड आउट करना था, हमें कॉन्स्टेंट ही निकालने थे। ठीक है,
उसके लिए ये सब हमने किया था। तो यहाँ पे हमारा जो एक कांस्टेंट मिल गया, अगर एक मिल गया तो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक जो कांस्टेंट सी आया हुआ है उसकी वैल्यू क्या आई है, आई आर डिवाइडेड बाई टू प्लस वी आर डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी है, और देखिए वन बाई एक्स क्या था आपका, आपने क्या कंसिडर किया था, अंडर रूट वाई बाई जेड। तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक। तो ये मेरी एक नई क्वेश्चन। सिमिलरली आई थिंक अब सी डी ये पैरामीटर आप एक दूसरे में यूज करके निकाल लेंगे, ये बताऊं मैं। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, देखिए एक हमने कौन से निकाल दिया, आपको इक्वेशन को यूज करना है और ए बी सी की वैल्यू निकाल, ए सी निकल चुका है, बी ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो ये कॉन्स्टेंट है ये जब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज आप लोड के क्रॉस आप ट्रांसमिट क्या कर रहे थे, V प्लस dV, आउटपुट पे क्या मिल रहा था, V, जो आउटपुट के क्रॉस जो डेवलप वोल्टेज था वही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे जब आप पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा रिसीविंग एंड है वहाँ पे जो वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू, और वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है उसका हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये सब किया हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे ए बी सी डी जो भी पैरामीटर्स मिले हैं आपके, कांस्टेंट जो मिले हैं सॉरी, उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे, दिस एक मिनट, इस इक्वेशन में 1.5 1.6 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा हमें प्राइमरी कांस्टेंट निकालने थे, मैंने बोला था आपका प्राइमरी कांस्टेंट सॉरी ए बी सी डी ही आपका, ए बी सी डी कह रहे आर एल जी और सी हैं, उसी को अब आपको क्या करना है सेकेंडरी कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने वही किया हुआ है, ए बी सी डी को 1.5 और 1.6 में पुट कर दिया हुआ है, फिर रीअरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो उसके सिंप्लीफिकेशन उसी के बाद किया है, हालांकि आप इतना भी लिख दोगे डैट इज ओके, ठीक है, पर थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आपकी जो फाइनल इक्वेशन जो आ रही है वो मैं शो कर दे रही हूँ, दिस वन, ठीक है, कॉमन लिया है, फिर उसके बाद उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे आया हुआ है ई के फॉर्म में, तो उसे हमने फिर उसको कॉस के फॉर्म में लिख दिया है, और जहाँ पे आपका वी आर बाई जेड आर टर्म आ रहा था वहाँ पे आई आर यूज कर दिया है। तो ये सारा प्रोसेस क्या किया हुआ है इन्होंने, केवल सिंप्लीफिकेशन के लिए किया हुआ है। तो जो हमारी जर्नल जो इक्वेशन आ रही है वोल्टेज और करेंट की जो हम रिसीवर इन पे ऑप्टेन कर रहे हैं, डेट इज वी इज इक्वल टू वी आर कॉस एच अंडर रूट जेड वाई प्लस एक्स प्लस आई आर जेड नॉट साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट जेड वाई एक्स, ठीक है। सिमिलरली आपकी आई आर के लिए ये आई के लिए इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है दीज आर द इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो कितने यहाँ पे क्या है एक्स यूज हो रहा है, एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या किया हुआ है ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की है। लेंथ जैसे हमारी वेरी करेगी, मतलब उसका कुछ हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको मैग्नीट्यूड दिया हो, या लेंथ को किसी अदर टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उस केस में आपको वहां पे वो सिंबल यूज कर देना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, द इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करेंट एट द सेंडिंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ एल आर गिवन बाय, ये क्या था आपका वोल्टेज और करेंट कहाँ पे था, रिसीविंग एंड, ठीक है। अब अगर आपको सेंडिंग इन मतलब क्या है ट्रांसमिटिंग इन, ठीक है, तो वहां पे वोल्टेज क्या है Vs कंसीडर किया हुआ है, Vs का मतलब क्या है, दिस वन इज सेंडिंग इन, V प्लस dV को इन्होंने Vs कंसीडर कर लिया, I को Is अब यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे वोल्टेज Vr रिसीविंग के लिए Vr सफिक्स में आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे Ir यूज कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए अब हमें जो रिसीविंग सेंडिंग इन पे जो हमने यहाँ पे रिसीविंग इन पे तो वोल्टेज और करंट फाइंड आउट कर लिया है, सिमिलरली हम रिसीविंग इन सेंडिंग इन पे क्या वोल्टेज आपका मिलेगा, तो उसके लिए एल लेंथ के लिए हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, वी एस इज इक्वल टू वी आर, सेम इसी में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपको एल यूज कर देना है और वी के प्लेस पे वी एस यूज कर देना है। तो वही इक्वेशन देखिए 1.30 को ही यूज किया गया हुआ है, और आई एस इज इक्वल टू सेम आपका क्या आ जाएगा, आई आर कॉस एच अंडर रूट जेड वाई एल प्लस आई आर जेड आर डिवाइडेड बाय
वीआर के प्लेस पे यहाँ पे इन्होंने और ब्रेक कर दिया है, वीआर इज इक्वल टू आईआर जेड आर यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए, डैट मीन्स जो हम सिग्नल आपका सेंड कर रहे थे उसकी क्या इक्वेशन आई है, और जो रिसीविंग इन पे जो हमें इक्वेशन मिल रही है ट्रांसमिशन लाइन की, ये चारों इक्वेशन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कदार इसका डेरिवेशन आ जाता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हमारा ट्रांसमिशन लाइन की जो इक्वेशन है सेंडिंग इन और रिसीविंग इन दोनों के लिए हमें इक्वेशन मिल गई है। अब यही इक्वेशन आगे जाके आपकी यूज होंगी, जैसे हम कहें इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ वोल्टेज एट द सेंडिंग इन टू करंट एट द सेंडिंग इन, ठीक है। तो जब तक आपको सेंडिंग इन की इक्वेशन नहीं, वोल्टेज नहीं पता होगा और सेंडिंग इन का करंट नहीं पता होगा, तब तक आप इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, सेंडिंग एंड पे आपका इनपुट इम्पीडेंस आपको मिल जाएगा। ट्रांसफर इम्पीडेंस अगर फाइंड आउट करना है तो ट्रांसफर इम्पीडेंस का मतलब क्या है, आपका इनपुट वोल्टेज जो है सेंडिंग एंड पे जो वोल्टेज है, दैट द रेशियो ऑफ वोल्टेज एट द सेंडिंग इन टू करंट एट द रिसीविंग इन, तो ये ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कहलाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस, ठीक है। तो उस केस में आपको सेंडिंग इन का वोल्टेज पता होना चाहिए, डेट मीन्स वी एस वाली इक्वेशन 1.32, और रिसीविंग इन पे जो आप करंट रिसीव कर रहे हैं डेट इज 1.31 इक्वेशन। तो ये सारी इक्वेशन आपके सेकेंडरी पैरामीटर जो हैं ट्रांसमिशन लाइन के को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चारों इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यही इक्वेशन आगे आपकी यूज होंगी। तो यहाँ पे कुछ जनरल डेफिनेशन है, जैसे कि आपका वेवलेंथ क्या होता है, वेलोसिटी, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं, वेवलेंथ क्या होता है, आपका जो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन, डैट मीन जो आप ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हैं उसमें प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट डैट मीन्स गामा और करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है द प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट गामा इन करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जर्नोट और कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कॉन्स्टेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। तो हमें अब ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट जो होता है गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है, ये सारे डेरिवेशन हम आपको करा चुके हैं, मैक्सवेल इक्वेशन में आया था लॉसी मीडियम के लिए क्या आपकी इक्वेशन होती है, लॉसलेस के लिए क्या होती है, ये उस वक्त वहाँ पे सारे यूज हुए थे। तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है, ठीक है, और गामा इज इक्वल टू आपका अल्फा क्या है एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट होता है और बीटा इज इक्वल टू फेज शिफ्ट होता है, ठीक है। गामा की वैल्यू क्या होती है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, अंडर रूट जेड वाई होती है, इसी को हमने लिया हुआ था आगे, ठीक है। अब हमें जैसे यहाँ पे सपोज करिए कि इन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम जेड के प्लेस पे क्या यूज कर देंगे, आर प्लस जे ओमेगा एल, और गामा के प्लेस पे जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक। और करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ आवर ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जेड बाय वाई, ठीक। ये आपका इनफाइनाइट टेस्टमियल लाइन जो ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसमें हम नंबर ऑफ पी सेक्शन की आपस में कैस्केडिंग कर रहे थे, तो उस वक्त आपका जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वो आपका रेशियो डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ होता है इम्पीडेंस टू एडमिटेंस का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर रूट जेड की वैल्यू पुट कर देंगे आर प्लस जे ओमेगा एल, और क्या कहते हैं कि वाई की वैल्यू जो एडमिटेंस है उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है जेड नॉट, हमें सेकेंडरी कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं, दैट मींस जेड नॉट और गामा, ठीक। तो हम क्या करें यहाँ पे अंडर रूट ये हमारा हो गया जो डेट मीन्स जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका अगर कोई पूछे करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है तो डेट इज गिवन बाय अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा प्लस डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी होता है, या आप पर्टिकुलर कह सकते हो कि अंडर रूट जेड बाय वाई का रेशियो होता है, ठीक। अब अगर हमें यहाँ पे अल्फा बीटा और हम सिंप्लीफाई करके अल्फा बीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है यहाँ पे, या आई बीटा इन्होंने यूज किया हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा जे होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप कंपेयर कराएंगे।
ठीक। तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी आर प्लस जे ओमेगा, जी प्लस जे ओमेगा सी, गामा के प्लेस पे अल्फा प्लस जे बीटा, ये सही कर लीजिएगा, जे बीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको स्क्वायर कर दिया हुआ है, रियल और इमेजिनरी पार्ट की हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है। अल्फा स्क्वायर यहाँ से निकाल लें तो बीटा स्क्वायर प्लस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ये हमारी एक नई इक्वेशन आ गई। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा विद इन ब्रैकेट एल जी प्लस आर सी, ठीक। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये दो आपकी आपका पर्टिकुलर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये आई थिंक आप इतना सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अल्फा हमने निकाल ही लिया, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में हम इक्वेशन कन्वर्ट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी सेकेंड वेरिएबल की। तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल मतलब इन्होंने बीटा के फॉर्म में इक्वेशन बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से इन्होंने बीटा की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू फाइनली जो आपका निगेटिव, क्योंकि आपका कभी भी आपका जो फेस कांस्टेंट होता है वो निगेटिव नहीं होता, तो हम यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आफ्टर सॉल्व करने के बाद, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस आर जी प्लस अंडर रूट आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एल जी प्लस आर सी का होल स्क्वायर। ये मेरी एक नई इक्वेशन बन गई, यहाँ बीटा की वैल्यू ये आई है, सेम अल्फा की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे बीटा की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में 1.37 में, तो हमारी न्यू इक्वेशन जो अल्फा की आ जाएगी वो क्या आ जाएगी दिस में। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कॉन्स्टेंट, हमें जो आपके ट्रांसमिशन लाइन के थे डैट मीन्स करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जेड नॉट और आपका गामा डैट मीन्स प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट, और उसी प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट के थ्रू हमने फेस कॉन्स्टेंट बीटा फाइंड आउट किया और एटेन्युएशन कॉन्स्टेंट अल्फा फाइंड आउट किया, ठीक। तो ये फाइनल आपका सेकेंडरी है, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट हमें मिल गए हैं। आप सपोज करिए कि ये मेन आपका फॉर्मूले बेस्ड जैसे आपके न्यूमेरिकल आते हैं तो उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, फॉर अ परफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन, परफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन वो लाइन होती है जिसमें आपका लॉस ना हो, ठीक है। दैट मीन्स उस केस में फॉर अ परफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो रेजिस्टेंस होता है और कंडक्टेंस की वैल्यू दैट मीन्स आर और जी की वैल्यू जो होती है जीरो होती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें आर और जी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जीरो आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करिए और जी की वैल्यू आप यहाँ पे जीरो पुट करिए तो 1.39 जो इक्वेशन है वहां पे अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मींस एटेन्युएशन जीरो हो गया। एटेन्युएशन क्या है, मतलब कि लॉसेस नहीं हो रहे, ठीक है। तो कोई भी लाइन हालांकि परफेक्ट लाइन नहीं होती, परफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन नहीं होती, फिर भी हम आइडियल केस अगर आपका स्टडी करना चाहें तो फॉर अ परफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपका आर और जी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और जब आप इसमें बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी। जहाँ जहाँ आपका आर है और जी है वहाँ पे आप जीरो पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1.38 में, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल सी हो जाएगा, या बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी हो जाएगा। न्यूमेरिकल आपका आता है कि फॉर अ परफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट एंड एटेन्युएशन कॉन्स्टेंट। तो जब तक आपको ये नहीं पता है कि आपका ट्रांसमिशन लाइन परफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में आर और जी की वैल्यू जीरो होती है तो उस केस में क्या होगा, आपका एटेन्युएशन कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा और फेस कॉन्स्टेंट क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी, फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर उसी में मैं ये ऐड कर दूं कि आप वेलोसिटी भी वेव की फाइंड आउट करिए तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू जो वेव की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन जो होता है v इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाय बीटा। अब हमने क्या किया हुआ है, इसमें बीटा की वैल्यू रख दी है, बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ओमेगा अंडर रूट एल सी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा अंडर रूट एल सी, तो यहाँ पे
जो आपका वेलोसिटी v इज इक्वल टू f वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन 1 अपॉन अंडर रूट lc आ जाएगा। ठीक, इसी तरह वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वेवलेंथ l इज लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय बीटा होता है। आई थिंक ये इतना आपको पता ही होगा कि जब आपका फेज एंगल जो होता है वो 2 पाई रेडियन चेंज होने में जितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता है वो लेंथ आपकी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। तो बीटा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए। इससे अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा अंडर रूट LC। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी वेवलेंथ की। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे आपके ट्रांसमिशन। आज हमने क्या पढ़ा है, पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन की क्या इक्वेशन आती है, सेंडिंग इन पे क्या इक्वेशन आई है, रिसीविंग इन पे क्या इक्वेशन आई है। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, ट्रांसमिशन लाइन के सेकेंडरी कॉन्स्टेंट दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है, उसी के बेसिस पे हमने एटेन्यूएशन कांस्टेंट फाइंड आउट किया, फेज कांस्टेंट फाइंड आउट किया, वेलोसिटी फाइंड आउट की वेव की, और उसकी जो भी वेव ट्रैवल कर रही है उसकी वेव लेंथ क्या होगी वो हमने फाइंड आउट की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, और इसके रिगार्डिंग मटेरियल मैंने आपके क्लासरूम में अपलोड कर दिया है। मैम मैं ईमेल डाल देता हूँ, भी ऐड कर देना। ओके बेटा, ओके।